यार हम डक्की भाई के साथ जो है अभी आ गए हैं। डक्की भाई कैसे हैं यार? शुक्र आप बताओ। तो यार मैंने आपको जैसा कहा था कि यार डक्की भाई से मिलने जाएंगे, तो फाइनल कि मैंने आपको बताया सर स्टार नोनीमस भाई के पास जो है अभी आ गए हैं। देखें हेलो भाई कैसे यार, बहुत अच्छा लग रहा है कसम से, आपको लाइव देख रहे हैं हम। बिग फैन सर, बिग फैन, एक शॉट आउट दे देना मुझे। तो ये भाई की गाड़ी खड़ी हुई है, ये देखें क्या नाम है इसका। तो गाइस तो यार अभी हम जो है अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं, तो मैं आपको वो सामने दिखाऊंगा, आपके ओपी की गाड़ी वो सामने खड़ी है। वो देखो जिस पे एक्स लिखा हुआ है भाई साहब। तो Few moments later. जी तो थंबनेल देख तो यार आपको पता लग ही गया होगा और आपने जो है शॉर्ट्स भी देख ली होंगी। और यार जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने कहा था कि यार हमने जो है कुछ डाटा रखा हुआ है, स्टार अनोनिमस को मिलने गए थे और ही फोरी काकू भाई से मिलने गए थे और वीडियो जो है उसकी पूरी बना के जो है मैं अपलोड करूँगा। और भाई साहब जो है मौसम भी थोड़ा सा ख़राब है, मुझे थोड़ी सी जो वीडियो है ना है जल्दी में बनानी पड़ेगी। यार अगर मैं आप लोगों को ये बता दूँ ना कि यार यूट्यूबर बनना कोई इतना आसान काम नहीं है भाई। अक्सर बंदे तो कहते हैं ना यार यूट्यूबर भाई, उनसे पूछ के तो देखो यार वो कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए जो है थंबनेल तैयार करते हैं कि यार हमारी पब्लिक को क्या पसंद आएगा, कैसी कैसी एडिटिंग करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, मीम ढूंढने पड़ते हैं यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यार चैनल को जो है सब्सक्राइब किया करो, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करो और लाइक लाजमी कर दिया करो। अब आप लोग जो है वीडियो एंजॉय करो, आपको मिलते हैं लास्ट में। हेलो गाइस तो कैसे हैं आप लोग? तो यार ईद का दूसरा दिन भी आपको जो है मुबारक हो। और यार मैं आपको एक चीज दिखाऊं, अभी आपको ये दिखाऊं थोड़ा सा, क्या क्या लग रहा है मैं कहां? अबे लौड़े अपना काम कर। और यार फाइनली जो है यार हम यहाँ पर डक्की भाई को मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो डक्की भाई किस पर खड़ी हुई है और आपको दिखाएं उसकी मामा की वो रेड वाली गाड़ी भी वहाँ पर ही खड़ी हुई है। ये तीन गाड़ियाँ डक्की भाई की हैं, वो रेड वाली, स्विक वाली और ये वाली जिस पर 15 मॉडल लिखा हुआ है। हाँ जी तो फिर अपने भाई को आ जाओ, फिर डक्की भाई से मिलते हैं। यार हम डक्की भाई के साथ जो है अभी आ गए हैं। डक्की भाई कैसे हैं यार? शुक्र आप बताओ। तो यार मैंने आपको जैसा कहा था कि यार डक्की भाई से मिलने जाएंगे, तो फाइनली मैंने आपकी ख्वाहिश जो है पूरी कर दी है। और डक्की भाई बुलबुल को आपको जिबा कर दिया है, शीप रह गया बेचारा, घूम रहा हो गया इधर ही। मैं देख के आया हूं वहां पर आपने बांधा था और टिक्कू भाई को आपने कल कर दिया था वो पहले दिन डे 1 में हो गया। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, अच्छा लगा। गाइस देख लो यार आपकी ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी है और डक्की भाई को हम देते हैं इजाजत और चलते हैं अभी बाहर। थैंक यू सर, थैंक यू, ईद मुबारक। खैर मुबारक। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अनोनिमस को भी यार मिलना यार, एसपी जोकर को भी मिलेंगे यार, आपको सब दिखाएंगे यार, ये पबजी लवर सब हमारे यार मिलेंगे। Approximately 10 hours later. आ गए थे मास्टर बियानी वालों के पास, नाश्ता नहीं किया हो, अभी टाइम हो रहा है 3 बज गए हैं यार, तो अभी जो है बिरयानी खाने लगी है। फाइनली खाना आ गया हमारा, अभी हम खा के चेक करते हैं, बड़ा लेवल किस्म भी आ रहा है। आगे चेक करते हैं यार बिरयानी, मजेदार यार जो है खाना शाना हमने खा लिया है, तो फाइनली ऊपर आ गए थे यार, अभी चलते हैं बाहर क्या सीन है। फिर खा के हम आ गए थे, मैंने अब तो कहा था ना यार हम स्टार नोनीमस से मिलेंगे। ओह माय गॉड, वाओ। तो यार फाइनली जो है उसकी जो है गाड़ी जो है हमारी बाइक साइड पे खड़ी हुई है, अभी उनका वेट कर रहे हैं, वो बाहर आए और हमने उसके साथ जो है ना वीडियो बनाई नोनीमस की जो है रिवो डाला फोरी काकू का, वो सामने घर है। तो ये अभी बाहर आ जाए यार, बड़ा मज़ा आ जाएगा। कि मैंने आपको बताया सर स्टार नोनीमस भाई के पास जो है अभी आ गए हैं, देखें। हेलो भाई कैसे हैं? हेलो भाई यार थैंक यू यार, कसम से आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है कसम से, आपको लाइव देख रहे हैं हम। यार आपको बताया था ना यार स्टार नोनीमस भाई से हम मिलेंगे, तो यार फाइनली देख लो यार आपकी भाई ने जो है आपकी ख्वाहिश वो पूरी कर दिया यार, देख लें स्टार नोनीमस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हेलो
हेलो, वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे अल्लाह के हुक्म से। तो यार फाइनली जो है ना, आज का हम शुगर मेला क्या लगाएंगे वो आपको बताएंगे। मैंने पिछली वीडियो में कहा था यार, जो है ना हम फोरी काकू से मिलने जाएंगे। लौड़े अपना काम कर। दोनों जो है ना आज दुकान पे बैठे हुए थे, कोई सीन नहीं है। मैंने आपको कहा अब चलते हैं अभी बहरिया। अभी जो टाइम है ना हो रहा है 3-4 का हो रहा है, तो अभी चलते हैं फिर आप लोगों के साथ बड़ा। The next day. तो अभी जो है जा रहे हैं बहरिया टाउन फोरी काकू के घर। बैट बॉल भी लेके जा रहे हैं, वहाँ पर जाके खेलेंगे यार। उनको हम ना अपना फ्रेंड बनाएंगे, देखा जरा। तो गाइस मैंने आपको बताया था यार, फोरी काकू भाई से मिलेंगे यार। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है आप सबके? तो देख ले मैंने आपकी जो है सब्सक्राइब करने का, वो बंदा बोल रहा है आप लोग कर दो सब्सक्राइब मेरे बिहाफ पे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था यार, फोरी काकू भाई से मिलेंगे, तो मैंने आपकी जो है ख्वाहिश पूरी कर दी है। तो कैसा लग रहा यार? तो देख रहे बिग फैन सर, बिग फैन एक शॉट आउट दे देना मुझे। तो ये भाई की गाड़ी खड़ी हुई है, ये देखें क्या नाम है इसका। 6 hours later. तो यार अभी आ गए थे हम वापस घर। तो यार मैंने आपको कहा था ना, फोरी काकू भाई से हम मिलेंगे। तो यार कैसा लगा फिर? स्टार अनोनिमस को भी हम मिले थे, तो फोरी काकू को भी हमने मिल लिया है, बापी ओपी को भी हमने मिल लिया है। अब रह गया डक्की भाई। डक्की भाई से भी इंशाल्लाह आपकी मुलाकात करवाएंगे यार, दिखाएंगे आपको। अरे हमारे यार मिलिंग है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अपने घर जो है ईद हो, ईद नहीं, आज का दिन जो है इंजॉय कर रहे होंगे। वैसे आप क्या कर रहे हैं? जा पूछ क्या। गाइस अभी हम आए थे यार पार्किंग में। तो जैसा कि यार आपको मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि यार हम बाबे ओपी से मिलने जाएंगे, तो आपको तो पता ही है कि यार आपका भाई जो बात कह देता है उस पर जो है पूरा उतरता है। अच्छा ठीक है। और यार लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दिया करो यार। आप लोगों ने तो कसम भी खा ली है यार, आप लोग तो यार सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं करते हो यार। थोड़े से पैसे कमा लेंगे तो क्या होने वाला है आपका? कुछ आपका कुछ भी नहीं जाएगा यार, ये फ्री की चीजें हैं, ये तो कर दिया करो यार। कुछ तरीका है भीख मांगने का? सो गाइस तो यार इस मरतबा मैंने फिर से यही प्लान बनाया कि यार इस मरतबा जो है हम डक्की भाई से फिर मिलने जाएंगे। पिछली मरतबा जो है हम पूरे प्रोटोकॉल से नहीं थे मिले, तो इस मरतबा जो है उनके लिए हम छोटा सा मोटा सा एक गिफ्ट लेके जाएंगे, समझा करो ना यार। तो बहुत तेज हो रहा है। तो यार मुझे बहुत ज्यादा बंदे जो है कमेंट करके बता रहे थे यार, हम भाई हमें भी एड्रेस बताओ यार डक्की भाई के घर का। तो सॉरी ब्रो यार, वो डक्की भाई ने मना किया है, उन्होंने ये कहा कि यार अगर आप तो आ ही गए अब, तो यार किसी को एड्रेस का ना बताना यार, वो बड़े यूट्यूबर हैं, तो दरअसल उनके लिए थोड़ा सा मसला होता है। तो यार आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना हुआ है, आप देख ही सकते हो वेदर बहुत ज़्यादा कमाल का है। और 3-4 दिन हो गए पीछे तो है बारिशें पड़ रही हैं, और लाहौर में जो है पानी खड़ा हो गया आपको जैसा पता ही है। तो यार अभी आ जाओ, अब बाबे ओपी को जो है मिलने चलते हैं। तो यार इस वीडियो पर जो है ना मुझे 10,000 लाइक चाहिए यार, प्लीज़ करवा दो यार, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोगों ने 10,000 लाइक करवा दिया ना, तो हम डक्की भाई के साथ वो शुगर लगाएंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा। चलो आ जाओ अभी बाबे ओपी की तरफ चलते हैं, उससे मिल। सो गाइस तो यार अभी हम जो है अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं, तो मैं आपको वो सामने दिखाऊं बाबे ओपी की गाड़ी, वो सामने खड़ी मेरी माता। वो देखो जिस पे एक्स लिखा हुआ है भाई साहब। तो और मिलते हैं बाबे ओपी से हैं। तो यार ये देखो मैं उसके जो है करीब आ गया हूँ मार्क एक्स के। ये देखो सामने ये गाड़ी खड़ी हुई है जिसको वो रेडी करवाता रहता है हर मरतबा। ये उसके रिंग हैं और वो सामने एक्स लिखा हुआ है, और ये ब्लैक कलर की है, शीशे भी ब्लैक हैं जिसमें वो नज़र ना आ सके। और यार पता नहीं उसने कब बाहर आना है, जुम्मे का टाइम भी हो रहा है, मैं कहता हूँ खुद ही बाहर आ जा तो मज़ा आ जाएगा, तो नहीं तो फिर बुलाना पड़ेगा यार। हैं खुद आ जाएगा तो फिर फ़ायदा है ना, आप खुद ही बताओ यार, फिर तो फ़ायदा है। वो देखो ए फ्यू मोमेंट्स। सो गाइस तो यार पूरा एक घंटा हो गया मुझे यहाँ पर खड़े हुए, और बाबा अभी तक भी जो है बाहर नहीं आया। तो यार बुलाने को तो मैं उसके घर का दरवाज़ा खड़का के जो है उसे बुला सकता हूँ, मगर नहीं यार मैं उसको तंग क्यों करूँ, खुद आ जाएगा तो अच्छी बात है। उसकी मार्क एक्स तो सामने खड़ी हुई है, उसके अंदर उसके घर के अंदर जो है एक और गाड़ी खड़ी हुई है, वो पता नहीं अब किसकी है, शायद उनके घर जो है मेहमान आए हों, तो जुमा पढ़ने तो वो लाजमी जाएगा, मुसलमान है वो, कौन सा सही है यार। अबे साले तमीज से नहीं मजाक कर रहा वैसे, तो यार पता नहीं अब कब आता है। तो चलो यार मैंने तो यार सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, मुझे इतनी भूख लग रही है, मैं कह रहा हूँ सामने कैंटीन पे चलते हैं, वहाँ पे जो है वहाँ चीज़ खा के आते हैं यार।
तो देखो यार अब कब आता है, अभी आ जाए यार। Approximately 10 hours later. So guys, तो यार दूसरी मर्तबा जो है मैं बाबे ओपी के घर आया हूँ, अभी भी वो जो है बाहर नहीं आ रहा है, पता नहीं सोया हुआ है यार। मैं आपको बताऊँ कि 2 बज गए थे यार, मैं तो वापस घर चला गया था। घर जाने के बाद जो है यार खाना छाना खाया है, खाना छाना खाने के बाद जो है एक दोस्त था वो कह रहा था कि यार अगर तुम बाबे से मिलोगे तो यार PR का जो होता है ना, वो एक ऑनलाइन काम जो होता है ना, वो उसकी बात करनी है, कुछ पैसे वैसे दे के ना वो भी करवाना है। तो अभी मैं फिर आया था यार, मैंने बेल दी है 2 मरतबा तो वो नहीं आया, तो मैंने कहा चलो यार दाढ़ी छाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, मज़र लोगों के पास चलते हैं, वहाँ से जाके जो है दाढ़ी छाड़ी सेट करवाते हैं। सो दोबारा से आ गया हूँ, ये उसकी मार्केट खड़ी हुई है, मार्केट सॉरी, तो आ जाओ बेल देते हैं, अगर तो आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर ओके और बाय बाय। आ जाओ अभी बेल देते हैं और देखते हैं, भाई साहब आ गए तो ठीक है, लेवल हो जाएगा, ना आए तो सही है। आ जाओ फिर, ये उसका घर है और ये हम जो है बेल देने लगे हैं। यार दुआ मांगो आ जाए बस, ठीक है। ये उसकी मार्केट खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। सो गाइस, तो यार असद भाई का बड़ा भाई आया था, तो उसने कहा कि यार भाई क्या काम है आपको, तो मैंने कहा यार असद भाई से मिलना था, उनसे PR करवानी थी और एक छोटी सी YouTube की वीडियो बनानी थी, हम भी छोटे मोटे जो है व्लॉगर हैं। तो उन्होंने कहा यार वो तो सलामाबाद पहुंचे हुए हैं, मैंने कहा अच्छा यार मुझे तो पता ही नहीं था यार, क्योंकि उनकी अभी तक कोई वीडियो नहीं आई YouTube पे। पहली वीडियो आई थी वो थी जो है कुर्बानी की, लास्ट वाली जो वीडियो उसने अपलोड की थी वो प्रैंक की थी, मगर अभी तक जो है उसकी यूट्यूब पे कोई वीडियो आई नहीं थी, तो मुझे भी नहीं था पता कि यार वो सलामाबाद पहुंच गया। तो यार मेरी तो कोशिश पूरी थी यार, जैसा कि आपको पता है। तो जैसा कि यार आप लोगों ने जो है ये वीडियो देख ली होगी, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। और यार बाबे ओपी से जो है हम दोबारा से कोशिश करते हैं मिलने की, और मैं आपको ये बता दूं कि यार अभी जो है ना 14 अगस्त वाले दिन जो है डक्की भाई से दोबारा मिलने जा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि यार दुबई से जो है हमारा 2-3 दिन का जो है टूर रह गया और फिर जो है उन्होंने आ जाना यहाँ पर पाकिस्तान में, तो इंशाल्लाह जो है हमने जो है डक्की भाई को भी मिलना है और बड़ा अच्छा माहौल बन जाएगा। इसलिए कहता हूँ यार कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, और मिलते हैं फिर आपको कल। ओके थैंक यू यार, बस लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना आपने।